नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज, सत्य का प्रतीक द बीएनवाई न्यूज। झारखंड में 5 चरण में चुनाव होनी है। 23 दिसंबर को झारखंड चुनाव का परिणाम आवेगा। इससे यह तय हो जाएगा कि झारखंड की जनता ने किसे अपना मत दिया और किसकी सरकार बनेगी। कई वीडियो झारखंड चुनाव के बारे में मैं आपको दे चुका हूं। प्रथम चरण का चुनाव झारखंड विधानसभा का 30 नवंबर को संपन्न होना है और जिसकी तैयारी की जा चुकी है। जनसंपर्क अभियान उम्मीदवारों ने जबरदस्त रूप से चलाया है और सभाएं हो रही है। डोर टू डोर कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से मिल रहे हैं। कार्यकर्ता की अथक परिश्रम हो रही है और सभाएं भी की जा रही है। 13 विधानसभा सीट में प्रथम चरण में चुनाव 30 नवंबर को होनी है। 13 विधानसभा सीट की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, इस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी, राजद, कांग्रेस, आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन सारे पार्टियों के उम्मीदवारों का फैसला भाग्य का होना है। सारे उम्मीदवार उतरे हुए हैं मैदान में। हुसैनाबाद, गढ़वा सहित अन्य 13 विधानसभा सीट में चुनाव संपन्न 30 नवंबर को होना है। वोटिंग होगी 30 नवंबर को, लेकिन पांचों चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद 23 दिसंबर को रिजल्ट आवेगा। जो हमारे सर्वेयर ने सर्वे किया, जमीनी सर्वे किया 13 विधानसभा सीट का, उस 13 विधानसभा सीट में अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं देखी जा रही है। महागठबंधन 13 सीट में बढ़त बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दयनीय देखी जा रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से नाराज दिखती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के किए कार्यों पर भी उंगली उठा रही है। जनता नोटबंदी, जीएसटी और एनआरसी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की समस्या सहित कई ऐसे मुद्दा हुए हैं जिसके कारण जनता भारतीय जनता पार्टी से तेजी से दूर जाती दिख रही है। महागठबंधन के अंदर की एकता और महागठबंधन की बड़े ही सूझबूझ के साथ 13 सीट पर चुनाव लड़ना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी लोजपा और आजसू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होने का भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ेगा। कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में बदलाव की हवा चल रही है। इस बदलाव के हवा में 13 सीट में बड़े ही मुश्किल के साथ संघर्षरत तरीके से लड़कर 1 से 2 सीट ही हाथ आनी है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी हार मानी जा रही है झारखंड चुनाव में, जबकि कई केंद्रीय मंत्री कमान संभाले हुए हैं, बड़े बड़े नेता झारखंड में आ चुके हैं, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कहा जा सकता है कि जो 30 नवंबर को वोटिंग होनी है 13 विधानसभा सीट में, इस 13 सीट में महागठबंधन सबसे आगे और भारतीय जनता पार्टी को 1 से 2 सीट ही हाथ लगती नजर आ रही है और 1 सीट आजसू को मिलता दिख रहा है। बाकी सारे सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त
नहीं होके महागठबंधन की बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई है। कुछ नीतियों का भी असर है, कुछ ऐसे ऐसे कार्य हैं और रघुवर सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है, रघुवर सरकार के काम से लोग खुश नहीं हैं और एसटी के अंदर में यह क्षोभ है कि हमारे आदिवासी समूह के मुख्यमंत्री होने चाहिए, आदिवासी समूह के मुख्यमंत्री नहीं बनाकर गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बात का भी क्षोभ वहां के आम मूल निवासी को है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार 13 विधानसभा सीट में देखी जा रही है और 30 नवंबर को प्रथम चरण का वोटिंग है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी पछाड़ खाता दिख रही है। अब द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ और पांचवें चरण का जो रिपोर्ट होगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तत्काल आप मेरे इस प्रथम चरण के सर्वे को ही समझ लें कि भाजपा की बुरी हाल है और महागठबंधन सबसे आगे है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।